हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीएम जॉइंट यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये वाली जो बोन है, ये कौन सी बोन है? मैंडिबल। ठीक है, यहाँ ऊपर में टेम्पोरल बोन है और ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है वो किस तरह की जॉइंट है? एक साइनोवियल जॉइंट है कॉन्डालेयर वेलाइटी की। ऊपर लिख देता हूँ, साइनोवियल जॉइंट ऑफ कॉन्डाइलर वेराइटी। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट ऑफ कॉन्डाइलर वेराइटी ऑफ जॉइंट है, ये टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, अब आर्टिकुलर सरफेस पे आ जाते हैं। आर्टिकुलर सरफेस यानी एक दूसरे पे जो जॉइन होते हैं जो सरफेसेस। ठीक है, जो अपर आर्टिकुलर सरफेस है, जो ऊपर की आर्टिकुलर सरफेसेस है, वो किससे बनती है? आर्टिकुलर ट्यूबरकल। ये जो मैंने पिंक से ये शेड कर रखा है और ये वाली जो ए टी मैंने लिखी है, ये है आर्टिकुलर ट्यूबरकल। ठीक है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल जो होती है अपर सरफेस, वन ऑफ द अपर सरफेस बनाती है। दूसरी कौन सी बनाती है? मैंडिबुलर फोसा। ये वाली जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये है मैंडिबुलर फोसा, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, और पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट किससे बनता है? टिम्पैनिक प्लेट से। यहाँ पे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस होता है और यहाँ पे ये आपकी उतने अच्छे से बन नहीं पाया। खैर, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस के पास जो आपका जस्ट क्या होता है? टिम्पैनिक प्लेट, ये भी एक हिस्सा बनता है। खैर, ये नॉन आर्टिकुलर सरफेस है, लेकिन इसको हम लोग फिर भी ले लेते हैं कंसिडरेशन में। ठीक है, और इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस किससे बनता है? यानी नीचे वाला हेड ऑफ मैंडिबल से। ठीक है, ये वाला जो है हेड ऑफ मैंडिबल। ठीक है, हेड ऑफ मैंडिबल है। ठीक है, तो टोटल हमने सारी आपकी आर्टिकुलर सरफेसेस देख ली। अब आ जाते हैं लिगामेंट्स पे। तो टोटल आपकी चार इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स है। ठीक है, उसे स्टडी कर लेते हैं। जो सबसे पहला है वो है फाइब्रस लिगामेंट। फाइब्रस लिगामेंट कौन सी लिगामेंट होती है? वो लिगामेंट जो कि कहाँ अटैच होती है? आपकी आर्टिकुलर सरफेस से जो है, यहाँ से देखिए आप, ये जो ना मैंने पिंक से शेड कर रखा है इतना, और इधर जो पिंक से शेड कर रखा है इतना, ये जो है ये पूरा आपकी फाइब्रस कैप्सूल है जो इतनी पोर्शन को पूरी कवर करती है। ठीक है, अब ऊपर के हिस्से में किससे किससे जुड़ा रहेगा? ठीक है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल से जुड़ा रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर किससे जुड़ा रहेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ मैंडिबुलर फोसा। सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री जो रहेगी। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री रहेगी। ठीक है, और पीछे की तरफ जो है आपकी जो है स्क्वैमो टिम्पैनिक फिशर होती है पीछे से, खैर इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, और नीचे से जो है हेड ऑफ मैंडिबुल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल फाइब्रस कैप्सूल बना लेता है। ठीक है, लिख देता हूँ फाइब्रस कैप्सूल, तो ये आपका फाइब्रस कैप्सूल हो गया। ठीक है, जो आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो लाइन करता है कैप्सूल को नेक ऑफ मैंडिबल में। ठीक है, ये वाली आपकी साइनोवियल, ये आपकी कैविटी है। ठीक है, अब तो ये वाला लिगामेंट हो गया। ये कैप्सूल जो होता है लूज होता है एबव द इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। ये आर्टिकुलर डिस्क आपको जो दिख रहा है एडी, मैंने मार्क किया, ये बीच में होता है इन दोनों के बीच। इसके ऊपर थोड़ा लूज होता है और नीचे की तरफ थोड़ा टाइट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे लिगामेंट पे। दूसरा लिगामेंट कौन सा है? लैटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, तो पहले उसके लिए हम लोग थोड़ा सा दो लिगामेंट देख लेते हैं। मैं इसे कलर कर देता हूँ यहाँ से। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला कैप्सुलर लिगामेंट है। ठीक है, ये जो आप पर्पल कलर टाइप का है, ये कैप्सुलर लिगामेंट है। ठीक है, और इसके बगल में ये जो आप येलो कलर से देख रहे हैं, ये आपका टेम्पोरो मैंडिबुलर लैटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट है। ठीक है, ये वाली कौन सी है? कैप्सुलर लिगामेंट। हाँ, ये वाली आपकी कौन सी लिगामेंट है? लैटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये लैटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट बेसिकली करता क्या है? स्ट्रेंथन करता है लैटरल पार्ट ऑफ किसका? कैप्सुलर लिगामेंट के जो लैटरल पार्ट होता है, यानी इधर वाला पार्ट, उसको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करने का काम करता है। और इसके फाइबर्स जो होते हैं जनरली डाउनवर्ड्स की तरफ और बैकवर्ड्स की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप देख लिया, इसकी अटैचमेंट क्या है?
ये जो है एबव में आपका आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स यहाँ जो है आपका जो है रहता है, और बिलो में जो है नेक ऑफ मैंडिबल से आप देख सकते हैं जुड़ा हुआ है, ठीक है। आर्टिकुलर ट्यूबरकल थोड़ा बड़ा होता है, मैंने छोटा बनाया है, और ठीक है, और तो बस इतना हो गया। तो हमने देख लिया कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जो लिगामेंट होता है वो आपका कहाँ कहाँ क्या काम क्या इसका रहता है, कैसे सब कुछ। नेक्स्ट लिगामेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट लिगामेंट है स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट को हम लोग को समझने के लिए दूसरा डायग्राम थोड़ा देखना होगा, स्पिनो मैंडिबुलर इसमें दिखेगा नहीं। तो ये वाला जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ये मैंडिबुलर है, ये वही है, लेकिन क्या है ये अंदर की तरफ से है। आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ वाला जो डायग्राम है वो है, ठीक है। उसके तो उसे देख लेते हैं। ये क्या होता है स्पिनो मैंडिबुलर जो होता है वो कहाँ से रहेगा, स्पिनोइड बोन से। तो ये वाली क्या है, यहाँ जो आप ये चीज देख पा रहे हैं ये क्या है, स्पाइन ऑफ स्पिनोइड, ठीक है। इससे लेकर मैंडिबुलर तक जो जुड़ा रहेगा उसे क्या कहेंगे, स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट ये हो गया। एक्सेसरी लिगामेंट होता है ये, डीप में लाई करता है क्योंकि बाहर की तरफ से देखें तो डीप होता है और अवे फ्रॉम द फाइबरस कैप्सूल। फाइबरस कैप्सूल जो इधर की तरफ होता है हमने देखा था डायग्राम में, फाइबरस कैप्सूल ये है, ठीक है, ये वाली है, तो इससे थोड़ा दूर की तरफ रहता है, ठीक है। और जो आपका ये सुपीरियरली जो है मैंने बता दिया स्पाइनो स्पिनोइड से जुड़ा होता है, और नीचे की तरफ लिंगवा ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन। तो ये वाला जो चीज आप ये वाला जो चीज देख रहे हैं ये क्या है, ये है मैंडिबुलर फोरामेन, मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है, मैंडिबुलर फोरामेन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी थोड़ी सी हम लोग रिलेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है डॉर्सल पार्ट ऑफ मैक्रेल कार्टिलेज का जो है रेमिनेंट है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे एक बार, याद रखेंगे पॉइंट को, रेमिनेंट ऑफ डॉर्सल पार्ट ऑफ मैकेल्स कार्टिलेज, कौन सी, स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। अब इसके थोड़े रिलेशंस भी देख लेते हैं। लैटरली जो होता है किसे किसे आपकी रिलेटेड होता है, लैटरली लैटरली रिलेटेड होता है लैटरल टेरिकॉइड मसल से, लैटरल टेरिकॉइड मसल, और किससे होता है, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, और क्या रहता है, और आपका मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या रहता है। तो जस्ट लैटरल टेरिकॉइड मसल तो आपको पता होगा, यह मैंडिबल से यहाँ से निकलता है, तो मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ठीक है, अंदर की तरफ लैटरल टेरिकॉइड मसल निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं जो आपकी ऑरिकुलो टेम्पोलर नर्व होता है, वो ऑरिकुलो लैटरली जो होती है वो इधर पे रहती है कुछ, ठीक है, यहाँ पे मैं जो येल्लो से बना रहा हूँ ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व रहती है, और मैक्सिलर आर्टरी थोड़ी और इधर की साइड रहती है, ये वाली जो लिगामेंट होती है इसको टच करती है, ठीक है। ये जो मैं मोटी मोटी बना रहा हूँ ये वाली आपकी मैक्सिलरी आर्टरी हो गई, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, और ये आपके लैटरल टेरिकॉइड मसल, ठीक है। लैटरल हमने रिलेशंस देख लिए, अब जो है मीडियली देख लेते हैं। मीडियल रिलेशंस क्या क्या हैं, कॉर्डा टिम्पैनी, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व और वॉल ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। और आखिरी जो लिगामेंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ये वाला लिगामेंट, वो होता है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट,
ठीक है, स्टाइलोमैंडिबुलर ये वाली क्या है, ये है स्टाइलोइड प्रोसेस, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ SP, ये है स्टाइलोइड प्रोसेस। तो स्टाइलोइड प्रोसेस से यहाँ मैंडिबुल तक गई, इसीलिए स्टाइलोमैंडिबुलर। स्पाइनोस्पिनोइड से आपकी यहाँ मैंडिबुलर ये वाली फोरामेन में गई, ये वाली तो ग्रूव होती है शायद, तो फिर उस यहाँ मैंडिबुलर फोरामेन में गई, तो स्पाइनोस्पिनोइड से मैंडिबुलर फोरामेन में गई तो कौन सी, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, नाम याद रखने में आसानी होगा, बस स्ट्रक्चर्स याद रख लीजिए कौन कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये जो होता है थिकन पार्ट ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये किसको सेपरेट करता है, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर सर्वाइकल ग्लैंड, पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को ये अलग करता है। ठीक है, ये अटैच कहाँ पे होता है, लैटरल सरफेस ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस, स्टाइलोइड प्रोसेस की लैटरल सरफेस पे अटैच होता है, और ये फिर नीचे में कहाँ, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल, ये रैमस ऑफ मैंडिबल होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं नीचे वाला हिस्सा, तो वहाँ पे ज्वाइन होता है। ठीक है, तो टोटल हमने चारों लिगामेंट्स देख ली, चारों लिगामेंट्स होती है, विच इज फाइबरस कैप्सूल, लैटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट, स्पिनो मैंडिबुलर और स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, अब ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाली खैर कैप्सुलर आपकी जो है फाइब, ये जो है मैंने बताया था ये कैप्सुलर वाली जो है लिगामेंट है। ठीक है, लिख भी देता हूँ, कैप्सुलर लिगामेंट मेन यही चार होती है जो हमने अभी डिस्कस करा। ठीक है, थोड़ा सा आर्टिकुलर डिस्क के बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ मैंने जो देखा था ये आर्टिकुलर डिस्क होती है, ये जो मैंने मार्क किया है AD। ठीक है, ये क्या होता है, ओवल शेप का होता है, खैर मैंने ओवल शेप जैसा नहीं बनाया पर एक्चुअल में ओवर शेप जैसा होता है, जो कि जो है प्रीडोमिनेंटली फाइब्रस प्लेट होता है, और जो डिवाइड करता है क्या, अपर और लोअर। ठीक है, अपर और लोअर पार्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। अपर पार्ट जो होता है वो क्या करता है, अपर पार्ट जो होता है मेन, उसे देख लेते हैं थोड़ा सा, अपर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट का मेन काम क्या होता है, ग्लाइडिंग करना। ठीक है, ग्लाइडिंग करवाना, और लोअर पार्ट का क्या काम होता है, ग्लाइडिंग एज वेल एज रोटेटरी, ग्लाइडिंग एंड रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, ग्लाइडिंग और, ठीक है, ये होता है, और उसके बाद जो है डिस्क जो होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप का होता है, ये सब उतना याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं है, मेन इसका है कि ये जो डिस्क होता है फ्रिक्शन जो है प्रिवेंट करता है, फ्रिक्शन जो है तो दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज होता है, ऊपर वाली जो नीचे वाली आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज होता है उसमें फ्रिक्शन को रोकना। ठीक है, फ्रिक्शन को रोकना। ठीक है, और ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ कुशन, और कुशन की तरह एक्ट करेगा, तो इसका क्या काम होगा, शॉक एब्जॉर्प्शन में इसका काम होता है, शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसी वजह से आर्टिकुलर डिस्क काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो है कॉन्डाइल जो होता है उसको स्टेबलाइज करता है बाय फिलिंग द स्पेस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। ठीक है, इसको स्टेबल करता है जो कॉन्डाइल होता है बाय फिलिंग, यहाँ पे जो है ये फिल करता है स्पेस और इसको आपकी स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, अगले वीडियो में मैं पार्ट टू में रिलेशंस ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के बारे में बता दूंगा, छोटा सा है, और तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।